1946 का वो दौर जब बीकानेर किसान आंदोलन के दौरान बीकानेर जो प्रजा परिषद थी उसमें कुमार रामजी आर्य शामिल हो जाते हैं, और कुमार रामजी आर्य बीकानेर प्रजा परिषद में शामिल होने के बाद बीकानेर किसान आंदोलन को सपोर्ट किया था, या कह सकते हैं किसानों के लिए आवाज़ें उठाई थी, और इसी कारण 1946 का बीकानेर किसान आंदोलन का वो दौर था जिसमें जगह जगह सभाएं होती थी। जिसमें यदि बात करें तो एक तो सभा है सबसे पहले लालन गांव की सभा जो स्वयं कुमार रामजी के नेतृत्व में हुई थी, उसके बाद में एक राजनीतिक सभा होती है जो प्रजा परिषद की, जो वहां के लोग कह सकते हैं जो प्रजा मंडल की जो सभा थी वो होती है रायसी नगर में। रायसी नगर के अलावा गंगानगर की जो एक सभा होती है, एक गोगा मेडी की सभा होती है, और गोगा मेडी की सभा के बाद में इसी क्रम में अपन यदि बात करें तो चूरू जिले का जो कांगड़ गांव था वहां के किसान भी जागीरदारों के अत्याचारों से अपने आप को नहीं बचा पाए थे, और किसानों पर जागीरदार कांगड़ में भी अत्याचार करते हैं। और कांगड़ का एक किसान नेता तो बात करें चुन्नी लाल या कह सकते हैं चुन्ना राम, जो रुगा राम के साथ मिलकर बीकानेर महाराजा शार्दुल सिंह से शिकायत करने भी जाते हैं, परंतु उनको मिला तो केवल आश्वासन मिला, उसके अलावा कुछ भी नहीं। फिर भी वहां पर जब बीकानेर में लोकप्रिय सरकार के गठन होने के बाद में किसान आंदोलन जो एक तरह से कह सकते हैं समाप्त भी हो जाता है, किसानों को उनके अधिकार भी मिलते हैं, और इन्हीं जो सब बिंदुओं पर चर्चा करने के लिए वीडियो को आप अंत तक देखते रहिए। यदि किसी को वीडियो अच्छा लगे लाइक शेयर व चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अपन बीकानेर किसान आंदोलन के क्रम में अपना ये तीसरा वीडियो है, कौन सा था, बीकानेर किसान आंदोलन। अब देखो होता क्या, सन 1946 का वो दौर जब यहाँ की बीकानेर प्रजा परिषद थी, या कह सकते हैं बीकानेर प्रजा मंडल भी कह सकते हैं, जो बीकानेर प्रजा परिषद या प्रजा मंडल में शामिल हो जाते हैं कौन, कुंभा रामजी आर्य, कौन सा, कुंभा रामजी आर्य शामिल हुए थे। हालांकि बीकानेर जो प्रजा मंडल की स्थापना है वो 1936 में कर दी गई थी, कहां पर, कलकत्ता में की गई थी, क्योंकि 1936 के दौरान यहां महाराजा गंगा सिंह थे, और गंगा सिंह ने मग्गा राम वैद्य को यहां से निष्कासित कर दिया था, इसलिए मग्गा राम वैद्य ने 1936 में कलकत्ता में बीकानेर प्रजा मंडल की स्थापना की थी। केवल ये बीकानेर ही नहीं था जो अपनी राज्य सीमा से बाहर जाकर प्रजामंडल की स्थापना करता है, इनके अलावा एक सिरोही प्रजामंडल था, और सिरोही प्रजामंडल की स्थापना बंबई में की गई थी। एक जैसलमेर भी प्रजामंडल था जिसकी स्थापना जोधपुर में की गई थी। एक भरतपुर प्रजामंडल था जिसकी स्थापना रेवाड़ी हरियाणा में की गई थी। इस प्रकार राजस्थान के चार प्रजामंडल है जिनकी स्थापना उनकी सीमाओं से बाहर होती है। यानी मग्गा राम वैद्य जो ही इस प्रजा परिषद में शामिल होते हैं, और इन्होंने लालन गांव, कौन सा साहब, लालन, लालन पालन वाला लालन है, लालन गांव जो राजगढ़ तहसील में पड़ता है, राजगढ़ यानी चूरू में, राजगढ़ जिसको सादुलपुर भी कहते हैं, यहां पर एक सभा का आयोजन किया था 1946 में, और कुंभा राम जी ने किसानों पर हो रहे अत्याचारों की आलोचना की थी, वह कह सकते हैं जागीरदारी प्रथा के विरुद्ध अपनी आवाज को बुलंद किया था, और जिसका परिणाम यह होता है कुंभा राम जी आर्य को इस दौरान 1 मई सन 1946 को कर लिया जाता है गिरफ्तार। क्या कर लिया गया साहब, गिरफ्तार कर लिया गया था। उसके बाद में यहां पर जो एक सभा हुई थी वो हुई थी रायसी नगर में सभा, रायसी नगर में, रायसी है, रायसिंह नगर में जो सभा होती है, जो रायसिंह नगर की जो सभा थी ये राजनीतिक सभा थी, या कह सकते हैं लोक परिषद में कुछ राजनीतिक जो नेता थे उनकी सभा होती है, और ये जो सभा हुई थी इस सभा की यदि हम अध्यक्षता की बात करें, रायसिंह नगर की सभा की यदि हम अध्यक्षता की बात करें तो सत्यनारायण सराप की अध्यक्षता में, सराप की अध्यक्षता में रायसिंह नगर में एक सभा भी होती है। यहां पर इस दौरान जुलूस भी निकाला गया था, किसान जब इकट्ठा हो रहे थे, पुलिस ने यहां पर जो ये सभा हुई थी कब से कब तक हुई थी तो बता सकते हैं 30 जून से 1 जुलाई
30 जून से 1 जुलाई के मध्य ये जो यानी दो दिन चलती है सभा, पुलिस ने यहां से भीड़ को हटाने के लिए उन पर लाठी चार्ज भी किया था, परंतु भैया किसान हैं या कह सकते हैं जो राजनीतिक कार्यकर्ता थे वो हटने के लिए तैयार नहीं होते हैं, तब यहां पर गोलीबारी की जाती है यानी बंदूक से गोलियां चलाई गई पुलिस के द्वारा। और इसी दौरान यहां पर एक बंदा वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है शहीद हो जाता है, और शहीद होने वाले बंदे का नाम था बीरबल सिंह। कौन सा? बीरबल सिंह पुलिस की गोलियों का शिकार हो चुका था और शहीद हो जाता है। बीरबल सिंह की शहीदी की याद में या कह सकते हैं इनके जो हत्याकांड था इसके विरोध में, प्रारंभ में तो विरोध की बात कर सकते हैं, विरोध में 6 जुलाई को समस्त जो बीकानेर राज्य था, इस समस्त बीकानेर राज्य में 6 जुलाई को किसान दिवस मनाया गया था। कौन सा दिवस? आप किसान दिवस मनाया गया था, परंतु इसी किसान दिवस को कालांतर में चलकर बीरबल सिंह शहीद दिवस का नाम दिया गया। बीरबल सिंह शहीद दिवस का संबंध है बीकानेर किसान आंदोलन से या बीकानेर प्रजा परिषद से या बीकानेर प्रजा मंडल से, एक ही बात है साहब, 6 जुलाई को किसान दिवस या बीरबल सिंह शहीद दिवस मनाया गया था। यानी जो रायसिंह नगर का ये कांड है, इस रायसिंह नगर के कांड के बाद में यहां से दो बिंदुओं पर अपन चर्चा कर सकते हैं। एक तो वो बिंदु जो बीकानेर प्रजा परिषद अपने आप में प्रसिद्धि प्राप्त करना चाह रही थी, बीकानेर के इस दौरान के शासक शार्दुल सिंह, जो शार्दुल सिंह थे वो नहीं चाहते थे कि जो प्रजा परिषद है वो किसानों को संगठित संयोजित करने में, जागीरदारी व्यवस्था के विरुद्ध आवाज उठाने में सफल होवे, ये कौन नहीं चाह रहा? शार्दुल सिंह नहीं चाह रहा। इसी कारण बीकानेर के शासक शार्दुल सिंह ने ख्याली राम को कहकर इस ख्याली राम के नेतृत्व में एक अलग सभा का गठन करवाया जिसका नाम था जाट सभा। क्या नाम था? जाट सभा। इस जाट सभा से होगा क्या साहब? इस जाट सभा से यह होगा कि जो प्रजा मंडल व प्रजा परिषद व जो किसान आंदोलन से जुड़े हुए कार्यकर्ता नेता हैं वो जाट सभा में जुड़ जाएं, और जो जाट सभा है कठपुतली थी यहां बीकानेर सरकार की, और ये जाट सभा में जुड़ जाएंगे तो यहां का आंदोलन स्थिर पड़ सकता है, कमजोर पड़ सकता है, इसीलिए जाट सभा। यही नहीं, ख्याली राम को अपने मंत्रिमंडल में भी शार्दुल सिंह ने शामिल किया था जिससे इनको सम्मान मिले। ख्याली राम को सम्मान दिया जाता है क्योंकि ख्याली राम जी किसानों की जो मांगों को कुचलने में, यहां के जो लोकप्रिय सरकार की स्थापना करना चाहते हैं उनकी मांगों को कुचलने में सपोर्ट कर रहे हैं शार्दुल सिंह का, इसलिए बीकानेर महाराजा शार्दुल सिंह बेसिक सी बात है कि जरूर ख्याली राम जी को सम्मानित करेंगे और सम्मानित भी किया अपने मंत्रिमंडल में शामिल करके। दूसरी तरफ जो ये रायसिंह नगर का कांड या कह सकते हैं बीरबल सिंह की शहीदी जो है, इसके जांच के लिए एक आयोग का गठन किया गया था। इस जांच आयोग की यदि बात करें तो 3 सदस्य इस जांच आयोग में होते हैं। इस जांच आयोग में एक तो थे सिरोही प्रजामंडल के संस्थापक गोकुल भाई भट्ट। कौन होते हैं? गोकुल भाई भट्ट। एक थे पंडित हीरालाल शास्त्री, और एक थे रघुवर दयाल गोयल। ये 3 सदस्य होते हैं, गोकुल भाई भट्ट, पंडित हीरालाल शास्त्री और रघुवर दयाल गोयल। इस जांच आयोग का गठन 1 अगस्त सन 1946 को किया गया था, क्योंकि जो भी चर्चा हम कर रहे हैं 1946 के दौर की कर रहे हैं। 1 अगस्त 1946 को इस जांच आयोग का गठन किया गया था। इस जांच आयोग का गठन इस प्रजा परिषद की एक सभा हो रही थी, और वो कौन सी सभा थी? तो कह सकते हैं गंगानगर सभा ही हो रही थी। गंगानगर में इनकी एक सभा रखती है, कह सकते हैं बैठक थी या एक मीटिंग थी, उसके दौरान इस आयोग का गठन किया गया था। कहां पर? गंगानगर में। जब इस आयोग का गठन किया गया था उसी दौरान शहीद बीरबल सिंह की विधवा पत्नी को सम्मान भी दिया गया, और वो ये सम्मान था कि इस आयोग के गठन के दौरान जो सभा हो रही थी और इस सभा में
तिरंगा फहराया गया था, और वो तिरंगा जो फहराया गया था इस गंगानगर की सभा में, वो शहीद बिरबल सिंह की विधवा पत्नी के द्वारा, यानी उनको एक सम्मान दिया जाता है, उनकी पत्नी के द्वारा ये तिरंगा फहराया गया था। यानी दो घटनाक्रम तो ये है। इसके बाद में यदि हम बात करें तो इसी दौर में चलते हुए आगे जो सितंबर के महीने में, सितंबर सन 1946 में, सितंबर 1946 में गोगा मेड़ी हनुमानगढ़ में भी एक सभा होती है। गोगा मेड़ी हनुमानगढ़ में भी किसानों की एक सभा टाइप में हुई थी, जिसमें प्रजा परिषद के भी सदस्य भाग लेते हैं। गोगा मेड़ी सभा का विशेष जो मुख्य योगदान है, मुख्य जो देन है, वो एक नारा था इनका, और वो था जागीरदारी प्रथा का उन्मूलन किया जाए। जागीरदारी उन्मूलन नारे को बुलंद करने का जो कार्य किया गया था, जागीरदारी उन्मूलन, जागीरदारी उन्मूलन के नारे को जो बुलंद किया गया था, वो कहां पर है तो कह सकते हैं सितंबर 1946 की गोगा मेड़ी की सभा में। जगह जगह सभा हो रही है, किसान अपनी मांग रखने हैं। अब भैया, जगह जगह सभा होने के बावजूद भी कांगड़ गांव के वो किसान जो जागीरदारों से या जागीरदारों के अत्याचारों से नहीं बच पाए थे। अब यदि हम कांगड़ बात करें, कांगड़ गांव की, जो चूरू जिले का एक गांव है, जो बीकानेर रियासत के अधीन आता था, इस कांगड़ गांव में 1946 के दौर में अकाल व सूखे की स्थिति होने के बावजूद भी यहां के जागीरदारों के द्वारा वसूली की गई थी एक बढ़िया तरीके से। किसी भी प्रकार की किसानों को रियायत नहीं दी जाती। जब यहां से किसान चुन्ना राम के नेतृत्व में साथ में था, तो मग्गा राम, यानी चुन्ना राम हुए मग्गा राम के जो नेतृत्व में, मग्गा राम मूलतः किस गांव के हैं यदि हम बात करें तो मग्गा राम जो हैं वो दूधवा खारा गांव के हैं, और चुन्ना राम के नेतृत्व में बीकानेर के शासक शार्दुल सिंह से मुलाकात करने के लिए बीकानेर जाते हैं। जब यहाँ के किसान नेता शार्दुल सिंह से मुलाकात करने के लिए बीकानेर गए थे, पीछे से जागीरदारों ने अपनी जो बिल्कुल खोई हुई इंसानियत का परिचय दिया था, इन्होंने किसान महिलाओं के साथ अत्याचार किया था, उनके साथ बदसलूकी की जाती है, कहाँ पर, कांगड़ में, ठीक है। काफ़ी दिनों के बाद भी शार्दुल सिंह की तरफ से किसी भी प्रकार की किसानों को रियायत प्रदान नहीं की जाती है। बीकानेर प्रजा मंडल के माध्यम से ये शार्दुल सिंह से मुलाकात करते, परंतु इनको कुछ फायदा भी नहीं हुआ था, कांगड़ के किसान। कांगड़ जब महाराजा शार्दुल सिंह इनकी बात नहीं सुनते हैं, तो बीकानेर प्रजामंडल के जो सदस्य थे, वो बीकानेर प्रजामंडल के सदस्य हैं, वो बीकानेर प्रजामंडल के सदस्य स्वयं कांगड़ गांव में आए और कांगड़ के किले में जाकर स्थिति का अवलोकन किया कि उस किले में उस दौरान काफ़ी किसानों को बंदी बना रखा था, काफ़ी महिलाओं को बंदी बनाया गया था, और इन्होंने ही किन्होंने बीकानेर प्रजामंडल के सदस्यों ने महाराजा शार्दुल सिंह को भी कांगड़ की इस घटना के बारे में या कांगड़ कांड के बारे में अवगत कराया गया था, और कांगड़ कांड की काफी निंदाएं होती हैं। बीकानेर राज्य में जो भी किसान वगैरह थे वो इनकी निंदा भी की थी, किसान नेताओं ने निंदा की थी, और परंतु बाद में भी इनको कोई विशेष फायदा नहीं हुआ। फिर भी कांगड़ के किसान है वो 1947-48 में बाद में यहाँ पर बीकानेर राज्य में लोकप्रिय सरकार के गठन हो जाने के साथ ही बीकानेर किसान आंदोलन समाप्त हो जाता है, और अपने बीकानेर किसान आंदोलन पर आधारित ये तीसरा और अंतिम वीडियो था। यदि किसी को वीडियो अच्छा लगे, लाइक शेयर व चैनल को सब्सक्राइब करना। जी, धन्यवाद।